Exercise 7.1, question 2. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. A perfect cube kya hota hai? Suppose koi ek number y hai, theek hai? To usko hum x ke cube mein represent kar sakte hai. To y is a cube of x. Theek hai? Aur y ka cube root hoga x. Theek? To ye number hua, y hua, perfect cube. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये नंबर है तो उसके फैक्टर्स लेंगे. अगर तीन तीन के ट्रिपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, और जो रिमेनिंग नंबर रहता है उसको हमें ट्रिपलेट में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, उसके लिए जो भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है, वो हम करेंगे. तो जो नया नंबर बनेगा वो हो जाएगा परफेक्ट क्यूब. तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट 243, इसको डिवाइड करना है. इवन इवन नहीं है लास्ट डिजिट. अब थ्री से चेक करते हैं, तो टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन. तो क्या सम नाइन है, उसको थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इस नंबर को थ्री से डिवाइड कर सकते हैं. तो थ्री से डिवाइड करते हैं तो आएगा 81. अगेन थ्री से 27. अगेन थ्री से डिवाइड करेंगे 9. अगेन थ्री से डिवाइड करेंगे 3. अगेन थ्री से डिवाइड करेंगे 1. ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें तीन तीन के ट्रिपलेट्स फॉर्म करने हैं. तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप. अब यहाँ पे देखते हैं सिर्फ दो ही है. ठीक, तो अगर हम इस नंबर को तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे आएगा स्मॉलेस्ट नंबर थ्री. तो हम इसको लिख देते हैं 243. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब जो फैक्टर्स है उसका मल्टीप्लाई, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री. यहाँ पे ये रिमेनिंग रह रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे. 243 मल्टीप्लाई थ्री, तो हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, ये नंबर अब बन गया परफेक्ट क्यूब. ठीक है, और ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा, ये होगा थ्री क्यूब, ये होगा थ्री क्यूब. तो थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन का क्यूब बन जाएगा. और 243 मल्टीप्लाई थ्री, तो होगा 729. इसी वे में हमें हर एक नंबर के लिए फाइंड करना है. ठीक, बहुत इजी है. जो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़े ट्रिपलेट ना फॉर्म हो रहा, तो वो सिर्फ कर देने का. 256, इसके हम फैक्टर्स लेते हैं. फर्स्ट टू से डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन है. 128 फिर से इवन है. 64 फिर से इवन है. 32 फिर से इवन है. 16 8 4 2. मैं तीन तीन के ग्रुप बनाते हैं. ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड. अब यहाँ पे दो है तो हमें एक टू मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक, तो ये बन जाएगा. तो यहाँ इसका आंसर आएगा 256 मल्टीप्लाई बाय, और इसको हम डायरेक्ट क्यूब में ही लिखते हैं. टू क्यूब, टू का क्यूब एंड टू क्यूब. टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, एट क्यूब. और ये नंबर हो जाएगा 512. 256 इंटू टू 512. ठीक है, इसी तरह से बाकी तीन के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं. थर्ड 70. तो इसके फैक्टर्स लेते हैं. इवन है लास्ट डिजिट, टू से डिवाइड होगा. 18 अगेन टू, अब थ्री से होगा. थ्री थ्री का ग्रुप फॉर्म करते हैं. फर्स्ट हो गया, यहाँ पे एक थ्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक और थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब हो गया, तो 72 मल्टीप्लाई थ्री, तो टू क्यूब एंड थ्री क्यूब. तो क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स क्यूब. और 72 इंटू थ्री वो होगा 260. इसी तरह से इसके बाद है 675. इसके भी सेम में फैक्टर्स लेंगे. अब लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है तो टू से डिवाइड नहीं होगा. अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 5, तो कितना होगा, 6 प्लस 7 6 12 13 13 एंड 5 18. तो ये 18 हो रहा है, ये 6
ये 3 से डिवाइड होगा, 6 इंटू 3 18, ठीक है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं 225, फिर से चेक करते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 9, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर भी होगा, डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 प्लस 5 12, फिर से होगा 3 से डिवाइड, ठीक है। 5 इंटू 5 प्लस 2 7, तो 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट है वो 0 और 5 में से 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो ठीक। अब हम यहाँ पे तीन तीन का ग्रुप करते हैं, तो ये हो गया एक ग्रुप। अब यहाँ पे देखें दो ही है, तो तीसरा 5 में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 675 मल्टीप्लाई 5, तो होगा 3q इंटू 5q, 5 इंटू 3 15q, और जो नंबर आएगा वो आएगा 3375। अब जो लास्ट है फिफ्थ, वो वाला भी हम देख लेते हैं, वो है 100। लास्ट डिजिट इवन है, 2 से डिवाइड होगा, फिर से इवन है, अब नहीं होगा आगे, ठीक। अब 3 से भी नहीं होगा 25 डिवाइड, 5 से होगा, तो 5 इंटू 5 1 इंटू 5, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो तीन तीन का कोई भी ग्रुप नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि 2 का 2 2 है और 5 का 2 है, तो एक 2 मल्टीप्लाई करना होगा और एक 5, तो 5 इंटू 2 नंबर होगा 10, तो इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा परफेक्ट क्यूब, एक ग्रुप बनेगा 3 2 का और दूसरा बनेगा 3 5 का, तो 100 मल्टीप्लाई 10 तो हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब, 2 इंटू 5 10 क्यूब, 100 इंटू 10 1000, ठीक है। तो हो गया इसका आंसर।